हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी चैनल द प्रोफेसर में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कार के ऑल्टरनेटर को रिपेयर करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या अंदर के कनेक्शंस किस तरीके के होते हैं। तो ये जो आप लेबल देख रहे हैं, ये बॉश का लेबल दिखा रहा है ऑल्टरनेटर का, और इस पे वोल्टेज रेटिंग 14 वोल्ट लिखी है और करंट रेटिंग है 43 एम्पियर 43 एम्पियर। सबसे कमाल की बात इस ऑल्टरनेटर के बारे में दोस्तों ये है कि ये ऑल्टरनेटर का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, मगर उसके बाद भी इसकी करंट रेटिंग इतनी ज्यादा है, मतलब 43 एम्पियर्स बहुत होता है। और खासकर इतने छोटे ऑल्टरनेटर को ध्यान में रखते हुए ये काम सिर्फ बॉश वाले ही कर पाते हैं, बाकी के जितने भी होते हैं वो इतने एम्पियर की रेटिंग नहीं देते हैं। इसी साइज का आपका जो मारुति 800 का ऑल्टरनेटर होता है छोटा सा, वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है और उसकी रेटिंग सिर्फ 35 एम्पियर होती है, मगर वहीं पे बॉश के इतने साइज के ऑल्टरनेटर में इन्होंने 43 एम्पियर दे दी। तो अब चलिए सबसे पहले इसके बैक कवर को खोल लेते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। काफी पुराना ऑल्टरनेटर है तो थोड़ा खोलने में भी दिक्कत आ सकती है, लॉकिंग होगी, जंग लगा होगा। आप देख सकते हैं कि खुलना स्टार्ट हो गया है, खुल जाएगा केस। तो दोस्तों ये जो बोल्ट मैंने खोला है, जाहिर सी बात है कि ये दिखने में शायद सबसे लंबा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लंबे होने का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या डिनोट करता है अगर ये पेच लंबा है तो। जब केस को बाहर निकालने का हो गया और ये आपका पूरा अंदर से दिखता कैसा है, इसका वोल्टेज रेगुलेटर, इसका ब्रिज रेक्टिफायर, वो सब आपका दिखने लग गया है। तो ये जो लंबा वाला पेज है जिसको मैं अभी होल्ड कर रहा था, वो हमारा ऑल्टरनेटर का अकेला वाहिद पॉजिटिव टर्मिनल है। तो दोस्तों अब जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो ब्रश का केस है, जो हमारा देखिए ऑल्टरनेटर होता है उसके बीच में एक चीज होती है जो रोटेट करती है, जिसे रोटर कहते हैं या फिर फील्ड भी कहते हैं। तो फील्ड को एक्साइट करने के लिए स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें जो ब्रशेस होते हैं ना वो कॉन्टैक्ट में लगे ही रहते हैं। तो जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो दोनों जो है ब्रश के टर्मिनल्स हैं, और वो जो है अंदर के रोटर को एक्साइट करते हैं ताकि जो उसके बाहर की आर्मेचर है उसमें करंट इंड्यूस हो, जब हमारा ऑल्टरनेटर का पुली जैसे मैं घुमा रहा हूँ वैसे किसी मैकेनिकल सोर्स से या रोटरी सोर्स से नाचे हाई स्पीड पे, तो वोल्टेज और करंट इंड्यूस होगा। और उसके ऊपर जो मेटल टाइप का ये लगा हुआ है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है कि इसका जो ब्रशेस के अंदर जो वोल्टेज जाए वो 14 वोल्ट के ऊपर ना जाए। तो आप सबसे पहले ये जो दो तार आप देख रहे हैं इनको मैं लगा के देख रहा हूँ इस पर, तो देख सकते हैं कि लॉकिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, ये दो तार हैं ये 15 वोल्ट की डीसी सप्लाई से हैं, ठीक है। तो ये 15 वोल्ट की सप्लाई मैं जब दूंगा अंदर के रोटर को, तो रोटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म आएगा, तो ये हल्का सा फंस के चलेगा। तो अभी मैंने लगा के देखा, एक तरफ पूरा ओपन है और दूसरी तरफ शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है, तो वोल्टेज रेगुलेटर में कुछ प्रॉब्लम है जहां तक अभी लग रहा है। अब इसको भी खोल के निकाल लेते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ पर रही है। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर, ब्रिज रेक्टिफायर और ये ब्रश, पूरा का पूरा ये सब होल्ड करता है, ये ब्लैक वाला पीछे का केस के अंदर जो छुपा रहता सेट है। आप देख सकते हैं कि इसको धीरे से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो ब्रश है वो स्प्रिंग के थ्रू प्रेशर लगाए रहते हैं स्लिप रिंग्स के ऊपर, और आपका जो स्लिप रिंग्स है अंदर देख रहे हैं आप कॉपर कलर के हैं, कॉपर 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 के ही हैं, कलर आप जाने दीजिए, गलत बोला मैंने, कॉपर के ही हैं। तो वो जो है बेयर कॉपर नजर आने लग गया है, और ये ब्रशेस है जिसमें से एक नजर आ रहा है, दूसरा बाहर आ गया है स्प्रिंग, क्योंकि पुश करती है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो अब इसको वापस अपनी जगह पे प्लेस हो नहीं पाएगा, क्योंकि वैसे भी स्प्रिंग बार बार पुश कर ही जा रही है, इसको निकाल के वापस रख ही देते हैं। तो ये मैं फोकस कर रहा हूँ उसके कॉपर के स्लिप रिंग्स पर, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे क्वालिटी का प्योरिटी का कॉपर का इस्तेमाल किया है। और मैं आगे से जो उसका पुली घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्लिप रिंग्स यहाँ पर घूम रहे हैं, इसी तरीके से जो ब्रश है वो स्लिप रिंग्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, तो वो हमेशा ब्रशेस से घिस घिस कर एक्साइटेड रहते हैं। अब ये पता करना है कि जो फील्ड वाइंडिंग है जो घूम रही है, जो स्लिप रिंग्स के थ्रू जिससे बिजली पहुंचती है वहां पे, देखते हैं स्पार्किंग हो रही है जब बिजली की सप्लाई दे रहे हैं 15 वोल्ट की, इसको लगाने के बाद भी एकदम फ्रीली घूम रहा है, मैग्नेटिक लॉकिंग एकदम जीरो है, कोई भी मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं है, जिससे दोस्तों ये साबित हो जाता है कि हमारे वोल्टेज रेगुलेटर और हमारे ब्रशेज में कोई फॉल्ट नहीं है। जितनी भी फॉल्ट है वो सारी की सारी हमारी अंदर की फील्ड रोटर रोटर वाइंडिंग में, रोटर वाइंडिंग कह लीजिए या फील्ड वाइंडिंग कह लीजिए, ठीक है। तो हमें उसको सुधारना है तभी ये हमारा ऑल्टरनेटर काम करना चालू कर पाएगा। तो उसके लिए हमें इस ऑल्टरनेटर को और भी ज्यादा खोलना पड़ेगा, पूरा का पूरा अपार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए
बड़े बड़े लंबे स्क्रूज होते हैं जनरली ऑल्टरनेटर पे, तीन तीन या चार, तो इसमें तीन थे, आपने देखा कि मैंने निकाल लिया है, तो अब इसको अलग कर देना है। देख सकते हैं कि एक स्क्रू और भी है, तीन मैंने निकाले, ये चौथा है। चौथे वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद जंग लगा है कि क्या है। अब इसमें मैं सोच रहा हूँ कि रबर लगा के और फिर इसको खोलने की कोशिश करूँ। जंग लग जाता तो अक्सर ये सब प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर एक्चुअली उसका जो हेड है तो उसकी लॉकिंग एकदम खराब हो चुकी है। रबर्स भी आई थिंक कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो इतना ज्यादा जैम्ड है और उसमें भी बल्कि छेद हो चुका है। तो दोस्तों चौथे पेज को आप देख सकते हैं, जो चौथा पेज था वो दूसरा वाला था, उसको मैंने निकाल दिया है। फिर भी हमारा रेक्टिफायर निकल नहीं पाएगा, लेकिन पहले उसको निकाल देते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर हमारा बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो जब तक हटेगा नहीं तब तक कि हमारा केस अलग नहीं हो पाएगा। तो मैंने पीछे की साइड की जगह अब मैं आगे से निकाल रहा हूँ उसको, कि आगे से ही वो अलग हो जाए। आई थिंक आगे से खुल सकता है, थोड़ा सा मुश्किल है, पेज फंस के निकल रहे हैं, पर निकाला जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। आप देख सकते हैं कि आगे का हेड एकदम ढीला हो गया है, बहुत ही करीब है निकलने के, ये निकल गया। हाँ तो दोस्तों अंदर का जो रोटर है वो फाइनली सामने आ चुका है, फील्ड वाइंडिंग फाइनली सामने आ चुकी है और बेयरिंग बहुत ही स्मूथ है। अब उम्मीद करते हैं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर अंदर वाइंडिंग जल चुकी है और ओपन सर्किट अंदर हुआ है तो इसको रिपेयर करने में आफत आ जाएगी। फिर अंदर के रोटर को खोलना पड़ेगा, रीवाइंडिंग करनी पड़ेगी और सोल्डरिंग करनी पड़ेगी स्लिप रिंग्स के साथ, और तभी वो बन पाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे पार्ट इसके अलग कर दिए मैंने, और जो फील्ड वाइंडिंग है जो करंट हमारी जनरेट करके बैटरी तक पहुंचाती है वो यही है, और थोड़ी सी पुरानी है, पर इसमें जल्दी फॉल्ट आती नहीं, क्योंकि इसके अंदर की जो वाइंडिंग के तार है ना वो बहुत ही मोटे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो जनरली जल के खराब होते नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो ऑल्टरनेटर होता है उसकी पुली को ये लोग जो है बहुत ही बड़े बोल्ट से टाइट करते हैं, जिसको खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मेरी एलन कीज तक टूट चुकी हैं और रिपेयर, जाहिर सी बात है, वो पुली भी टूट चुकी है, वो खुलता ही नहीं है, तो फिर वो केस पूरा होपलेस ही हो जाता है, तो वो मैं ट्राई भी नहीं करता हूँ, फिर दूसरा ही तरीका निकालता हूँ। आप देख सकते हैं जो स्लिप रिंग्स है उसके ऊपर एक केस लगा हुआ है प्लास्टिक का, शायद कि इसलिए कि वहां पर कहीं पानी ना पहुंचे या फिर रस्टिंग ना हो, उसको बचाने के लिए ये केस अलग हो गया, और बेयरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी की बेयरिंग अंदर से निकल के आई है, शाइनी। तो अब हमें फॉल्ट देखनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉल्ट हमें मिल चुकी है, और ये मैंने आपके सामने तार निकाल दिया है। यहां से पता नहीं कैसे तार टूट गया था, वहां पे एक छोटा सा तार का पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, वो एंड पॉइंट है, ठीक है ना, वो तार, और यहाँ पे टूट चुका है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, किस तरीके से। आप एक बार और टेस्ट कर लेते हैं तार को, वहां पे किसी तरह से हमारा जो 15 वोल्ट की सप्लाई है वहां पे लगाया है, आप देखते हैं कि आर्किंग आ रही है कि नहीं, मतलब सिर्फ यही प्रॉब्लम है या कुछ और भी है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिट कर दिया। हाँ आप देख सकते हैं कि आर्किंग आ रही है, देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, देख सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बन चुका है। तो प्रॉब्लम दोस्तों हमें मिल गई कि फॉल्ट कहाँ पे आ रही है, ब्रेकेज था अंदर की जो फील्ड वाइंडिंग थी उसमें और स्लिप रिंग के बीच में जो हमारा केबल था वहां पे ब्रेकेज था, तो हमें इसको रिपेयर करना ही पड़ेगा, वरना हमारा ये काम करेगा ही नहीं। रिपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तरीके हैं, या तो हम जो ये पूरे आप टीथ देख रहे हैं, ये दांत देख रहे हैं ना रोटर के, इसको पूरा खोल के अलग कर डालें और उसके बाद अंदर पूरी रिवाइंडिंग करें, और या फिर हम जो है सोल्डरिंग आयरन की मदद से एक टाका मार दें। अब टाका मारने वाला मुझे काम थोड़ा आसान और इजी लग रहा है, और वो इतना झाम नहीं लग रहा है कि उस पूरे जंग लगी चीज को खोलना और फिर उसते नंबर के वायर को लाना, कॉपर वायर को, और फिर नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करना, वो सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो ये डी सोल्ड तो फिर जो है ये सोल्डरिंग करते हैं, और डी सोल्डरिंग गन से आप देख सकते हैं कि पहले हमें रिमूव करना पड़ रहा है सोल्डर जो पहले से ज्वाइंट्स बने हुए हैं। तो तार हमारा अलग हो गया है, जो नीचे वाले सोल्डरिंग से कनेक्टेड था उसका तार मैंने अलग कर दिया है, ऊपर वाले का टाका भी जा चुका है, और ये सोल्डरिंग पंप से हटा दिया मैंने, ठीक है। अब एक पॉइंट और बचा है, दो स्लिप रिंग्स है ना, तो पहले वाले स्लिप रिंग को आप तार मैंने रिमूव कर दिया है, दूसरा वाला बचा है तो भी हटा देते हैं, ये हट गया। तो इसको हटाने के बाद अब बारी आ जाती है स्लिप रिंग को निकालने की, जो स्लिप रिंग्स हैं उसको रोटर से निकाल लेंगे किसी भी तरीके से। अब मैंने इसको वाइस में फंसा दिया है, देख सकते हैं किस तरीके से मैंने स्पैनर का इस्तेमाल करके किस तरीके से मैं स्पैनर का इस्तेमाल करके इसको हटा रहा हूँ, और ये स्लोली स्लोली बाहर आ रहा है, देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आ चुका है, ये निकल गया फाइनली। अब बारी आ जाती है टाका मारने की, ये हो गया स्लिप रिंग, इसको वापस सही सलामत रख देंगे जैसे था। दोस्तों ये क्या कहते हैं, दोनों मेरी बिल्लियां हैं, एक का नाम अमजद है और दूसरी शायद उसकी बहन है, पता नहीं कहाँ से मिली मुझे, घर के पास ही थी तो मैंने उनको लाइक अपने पास रख लिया। तो अब इसके बाद दोस्तों एक चीज और आ जाती है कि जो
बेयरिंग है उसको निकालना। अब उसके लिए मैंने ये जो आप देख रहे हैं एक डिस्क टाइप का कटर बनाया है जो क्लॉ की तरह बेयरिंग को पकड़ लेता है, उससे मैं अक्सर निकालता हूँ बेयरिंग, काफी काम आता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पकड़ रहा है इसको। ये देखिए इस तरीके से उसने फंसा लिया है। अब ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे और ये इसको अपने आप ही फंसा फंसा के निकाल लेगा। देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट बहुत ही करीब आ चुके हैं निकलने के। वो देखिए हैमर ही निकल गया एक बार फिर से। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद और काफ़ी वर्कआउट के बाद आप देख सकते हैं कि बेयरिंग बाहर आ चुका है और कोई दिक्कत भी नहीं आई, बढ़िया चल रहा है। अब बारी आ जाती है सोल्डरिंग की। ये दोनों कंपोनेंट्स बाद में इस्तेमाल होंगे, बेयरिंग और स्लिप रिंग्स। तो तार जो लगा है बेकारी का उसको हटा देते हैं और सोल्डरिंग मारना पड़ेगा। देख सकते हैं कि क्या हालत है, एकदम बेकार तार हो रहा है, इसको फेंक दिया। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सोल्डरिंग आयरन को मुझे वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से छुपा हुआ था वो ब्रोकन वायर, मतलब जहाँ से टूट गया था वहाँ पे किस तरीके से छुपा हुआ था। तो वहाँ पे एक पॉइंटेड सोल्डरिंग टिप ही पहुँच सकती है। तो इसलिए मैं जो ये वाला सोल्डरिंग आयरन हूँ है मेरा, उसको मैं बहुत ही पतला और पॉइंटेड बना रहा हूँ ताकि उस एरिया पर वहाँ पर वो पहुँच पाए और सोल्डरिंग हो पाए हमारी। वरना वो उसके अलावा सिर्फ एक यही तरीका आता है कि मैं पूरा नया कॉपर का रोल लाकर पूरा खोल के वापस सही करूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको पॉइंटेड कर दिया है। ये हो गया चालू हमारा सोल्डरिंग आयरन। तो दोस्तों वायर आप देख सकते हैं बहुत हल्का सा नज़र आ रहा है और कितना मुश्किल है यहाँ पर सोल्डरिंग करना वायर को, बट यही है कि अब करना तो पड़ेगा ही। तो अब चलिए फिर कोशिश शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से मैंने इसमें बहुत ही मुश्किल था बट सक्सेसफुली सोल्डरिंग कर ली। तो दोस्तों टाका मेरा पड़ चुका है, अब बारी है दूसरे तार को कनेक्ट करने की और बस फिर काम हो गया, हमारा ऑल्टरनेटर काम करना चालू हो जाएगा। तो जो चीज़ें जैसी थी उनको उसी तरीके से सोल्डर कर देंगे वापस ही स्लिप रिंग्स पर। यहाँ पे मैं वायर को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि जो स्लिप रिंग्स हैं वो एकदम उसके पास ही आ जाएंगे तो उसका लंबा होना एक प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। और इसकी मदद से मैं जो स्लिप रिंग्स हूँ उनको वापस पुश कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि फाइनली वो पूरे तरीके से जितना अंदर उसको जाना था वो हैमरिंग की मदद से फाइनली चला ही गया। तो दोस्तों इसके इंसर्शन के बाद, इसके कनेक्शन के बाद फिर यहाँ पे सोल्डरिंग की आप देख सकते हैं मैंने टाके मार दिए हैं जो स्लिप रिंग्स है उसके ऊपर। अब उसके बाद इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि सब चीज़ जैसी थी वैसे की वैसी बेहतर चल रही है कि नहीं, ताकि कोई और फिर दोबारा से दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं कि स्पार्किंग हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारा ऑल्टरनेटर का जो रोटर या फील्ड वाइंडिंग है वो पूरे तरीके से बढ़िया तरीके से रिपेयर हो चुका है। अब जैसी चीज़ें थी, जैसा केसिंग थी, सबको उठा के वापस जैसा था वैसे के वैसे ही उठा के रिप्लेस कर वैसे ही उठा के रिप्लेस नहीं मतलब असेंबल कर देंगे जिस तरीके से जैसे खोला था। और उसके बाद फिर हम टेस्ट करेंगे कि कैसा ये इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों आप फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पीछे बैक कवर जैसा मैंने स्टार्टिंग में खोला था उसको वापस वैसे ही फिट कर दे रहा हूँ। वोल्टेज रेगुलेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रशेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ ठीक थी। सिर्फ एक छोटा सा तार में टाका पड़ना था, रोटर की वाइंडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से ये ऑल्टरनेटर गाड़ी से निकाल के फेंक दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया था और मुझे ये लोहे के दाम पे मिल गया। मुझे मालूम था कि मैं इसे आसानी से रिपेयर कर ले जाऊंगा तो इसलिए मैंने उसे खरीद लिया था। और अब ये करने के बाद इसकी फिटिंग करनी है और इसको बस उठा के केस में वापस जैसे था वैसे ही टाइट कर देना है और फिर फाइनल आ जाते हैं टेस्टिंग पर। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ऑल्टरनेटर का पूरा रिपेयरिंग पार्ट 100% कंप्लीट हो चुका है और दो तार निकल के आ रहे हैं अंदर से, रेड और ब्लैक। तो वो दोनों तार मैंने डायरेक्टली जो अंदर के दो ब्रश के जो टर्मिनल्स थे उस पे कनेक्ट कर दिए हैं ताकि हमारा जो ब्रश को बैटरी से एक्साइटेशन मिलता है उसका कनेक्शन आसान हो जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ वो दोनों टर्मिनल्स जो ब्रश से ब्रश को जाके करंट पहुँचाते हैं उसके लिए मैंने तारों का एक्सटेंशन डाल दिया है, एक रेड वाला है और एक ब्लैक वाला है। अब उसमें मुझे एक सप्लाई देनी है, डीसी सप्लाई, कितने भी वोल्ट की, लाइक 5 से 14 वोल्ट तक की सप्लाई मैं दे सकता हूँ और फिर वो उठा के करंट हमारा जनरेट करना चालू कर देगा। और दोनों में मैंने क्लिप्स भी लगा दिए ताकि तारों के कनेक्शन का इजी का मामला इजी हो जाए। और अब बस उसके बाद, और ये करने के बाद जो हमारी पुली है उसके ऊपर रस्सी फंसा के खींच देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीमीटर आ चुका है, अब मल्टीमीटर के पिंस को उठाकर
कनेक्ट कर देंगे आउटपुट टर्मिनल्स पे, और ये मेरा एक्सटेंशन केबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि मोबाइल चार्जर कनेक्टेड है करीब 5 वोल्ट का, और मोबाइल चार्जर के जो दो तार हैं उसमें उसको जो है ब्रश से कनेक्ट कर देंगे। मतलब हमारा ये वाला ऑल्टरनेटर मोबाइल चार्जर की मदद से एक्साइट होने वाला है, ठीक है? तो 5 वोल्ट हम दे रहे हैं मोबाइल चार्जर से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की स्पार्किंग हो रही है, मतलब कनेक्शन पूरा प्रॉपर है, और हमारा इस टाइम पर रोटर एक्साइट हो चुका है, और यहाँ पे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो हल्का सा ये फंस रहा है, जिससे ये चीज़ हमको फील हो रही है, लाइक साबित हो रही है कि हाँ अंदर मैग्नेट बन चुका है, अब करंट इंड्यूस हो रहा है। तो मैंने तारों को जो मल्टीमीटर से निकले थे उसको उठा के ऑल्टरनेटर से कनेक्ट कर दिया। एक तार कनेक्ट किया है वाइस पर ही डायरेक्ट, जो वाइस है ना जो ऑल्टरनेटर को होल्ड करे हुई है, क्योंकि ऑल्टरनेटर की जो बॉडी होती है ना वो नेगेटिव टर्मिनल होती है, और पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो ऑल्टरनेटर से निकलने वाला पीछे से सबसे लंबा स्क्रू होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और बाकी की पूरी ऑल्टरनेटर की बॉडी नेगेटिव होती है। तो उन्हीं दोनों में मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया है। अब मैं जब इसमें तार छुआ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज का डिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइक 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट, जिससे ये पता चलता है कि करंट चेंजिंग ऑल्टरनेटर जो है एक ट्रांसफार्मर की तरह भी बिहेव करता है। अब ये मैं इसको हाथ से घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज जनरेट करना इसने स्टार्ट कर दिया है, 0.5 वोल्ट्स, हाथ से थोड़ा तेज़ घुमाएं तो 0.77 वोल्ट्स, 1.3 वोल्ट्स भी निकल गया है, 1.5 वोल्ट निकल चुका है, अच्छा बिजली जनरेट कर रहा है। 2 वोल्ट तक मैंने मैक्सिमम निकाला है, 1.72 पहुँचा था। मतलब आप थोड़ा ज़्यादा वोल्ट निकालने की कोशिश करते हैं एक रस्सी की मदद से, प्लास्टिक की रोप की मदद से, और फिर देखते हैं कि कितना सही चल रहा है। तो दोस्तों मल्टीमीटर की स्क्रीन देखते रहिएगा, आप देख सकते हैं कि करीब करीब इसने 6.91 वोल्ट निकाल दिया था, 6.91, 6.91, ठीक है, इतना वोल्ट इसने निकाल दिया था, और हमारे चार्जर से सिर्फ 5 वोल्ट मिल रहा है। तो जनरेटर अच्छा काम कर रहा है, हालांकि जो कार का ऑल्टरनेटर है उसके अंदर जो रोटर होता है वो 12 वोल्ट पर ही एक्साइट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको 5 वोल्ट के मोबाइल चार्जर से ही एक्साइट कर ले रहा हूँ, और उससे भी एक्साइट हो जाएगा। सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम आएगी कि लाइक उसको RPM जो है लाइक उसको घुमाना ज़्यादा रफ्तार पे पड़ेगा अगर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो। अब जो कार का हेडलैम्प बल्ब होता है ना, गाड़ी का जो हेडलैम्प बल्ब होता है उसको भी टेस्ट करेंगे, प्लस अब हम मैंने मैंने जो है वो मीटर के तारों को करंट मेजरमेंट मोड पे कनेक्ट कर दिया है। अब ये बताएगा कि करंट कितना, अभी तो वोल्टेज मेजर किया ना 6.91, अब करंट देखते हैं कि कितना जनरेट कर पा रहा है ये। मल्टीमीटर के टर्मिनल को 10 पॉइंटर को 10 एम्पियर के पॉइंट पर मार्क कर दिया मैंने, अब देखिएगा करंट इसने 4 4.5 एम्पियर निकाल दिया था, अच्छा खासा करंट है, जो कि मोबाइल चार्जर से हमारा मिल रहा होगा करीब 0.7 या 1 एम्पियर, और उसके बाद फिर इसने उसको एम्पलीफाई करके उसको बढ़ा करके 4.5 एम्पियर निकाला है। तो अब बारी आ जाती है हमारी बल्ब को कनेक्ट करने की, मल्टीमीटर मैंने हटा दिया है, देखते हैं कि बल्ब भी अच्छा जला पा रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं जनरेट हो रहा है क्योंकि एक्साइटेशन वोल्टेज कम है। एक्साइटेशन वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज, वो सोर्स जिससे मैं रोटर को पावर दे रहा हूँ, जो कि अभी मेरा मोबाइल चार्जर है, लेकिन उसकी जगह एक 12 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए थी, इस वजह से हमें RPM ज़्यादा देना पड़ेगा, तब हमारा ज़्यादा वोल्टेज बनेगा और करंट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो दोस्तों बल्ब को उठा के कनेक्ट कर दिया, अब देखते हैं कि कितना जल रहा है और कैसे जल रहा है। लगता है कि कहीं पर कोई तार लूज रह गया होगा जिसकी वजह से बल्ब जल नहीं पाया, तो इस बार जो है वाइस में तार को ना कनेक्ट करते हुए डायरेक्ट बॉडी में कनेक्ट कर देते हैं ऑल्टरनेटर की, वही हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, बॉडी ऑफ द ऑल्टरनेटर, बॉडी ऑल्टरनेटर की, और पॉजिटिव हमारा हमेशा वो लंबा वाला स्क्रू है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब की बार आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब जल गया, इसका मतलब कनेक्शन प्रॉब्लम थी तार की। तो ऑल्टरनेटर हमारा पूरे तरीके से रिपेयर हो चुका है और काम कर रहा है, अब हम जितना चाहें इससे बिजली जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ज़्यादा करंट और वोल्टेज आपको चाहिए कम आरपीएम पे, तो आपको बड़े चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। ये लैपटॉप चार्जर है, 3 एम्पियर का ये आउटपुट देता है और 15 वोल्ट आउटपुट निकालता है। तो इस बार जो अंदर का रोटर या फील्ड वाइंडिंग है, उसको लैपटॉप चार्जर से एक्साइट करेंगे, ताकि हमारा वोल्टेज जो है वो और भी ज़्यादा निकल पाए। देख सकते हैं कि आर्किंग इस बार और ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारा वोल्टेज बढ़ गया है। और फिर टेस्ट करते हैं कि करंट कितनी ज़्यादा जनरेट हो रही है और वोल्टेज कितना ज़्यादा हमारा जनरेट हो रहा है, और उसकी टेस्टिंग हमें पता चलेगी बल्ब कितना ज़्यादा तेज़ी से जल रहा है उससे। तो एक बार फिर से यही टेस्ट करते हैं रस्सी चढ़ाने वाला। याद रखिएगा कि इस बार जो फील्ड वाइंडिंग का एक्साइटेशन सोर्स है, वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। आप देख सकते हैं कि बल्ब इस बार कितनी तेज़ जला, अच्छा खासा तेज़ हमारा बल्ब जला, जिस तरीके से एक ऑल्टरनेटर को एक्चुअल में जलाना चाहिए। उसी रस्सी से उतनी ही स्पीड से मैंने खींचा और बल्ब हमारा इस बार काफ़ी तेज़ जला, देख सकते हैं दोबारा फिर से काफ़ी तेज़ जला। हमारा ये ऑल्टरनेटर फुल्ली फंक्शनल है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो भाई लाइक भी कर दिएगा और कमेंट भी कोई अच्छा सा कर दीजिएगा। और मैं इसी तरीके से ऑल्टरनेटर्स की वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए इसी चैनल पर। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियो कभी मिस ना करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेटेड हूँगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा फील करूँगा कि मेरा ये प्लान आप लोगों के लिए हिंदी चैनल पे बनाने के लिए, ऑल्टरनेटर्स और डीसी मोटर की वीडियो हिंदी चैनल पे लाने के लिए कामयाब रहा। तो आप लोगों का सपोर्ट तो हमेशा ही चाहिए, उसके बिना कैसे चैनल आगे बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।